गाजर वाही ब्लड प्रेशर, असाबी होती, मकवी, तरगरम, कीमियाई तहरीक 6 नंबर है। कीमियाई तहरीक की तशरी कर दी गई है, कीमियाई और मशीनी, जब मादा जिसम में रुके तो उस वक्त वो कीमियाई तहरीक कहलाती है, और जब मादा अखराज पाए वो मशीनी तहरीक कहलाती है। और ये गाजर का हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या तलक है, नज़र, खांसी और मसाने पे क्या फ़ायदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये है इल्मो हिकमत चैनल, इलाज बिल गिज़ा और इलाज बिल दवा। मैं हूँ हकीम मोहम्मद सदीक, आपका मुखलस। आज हम बात करेंगे गाजर वाही ब्लड प्रेशर, असाबी, गुदी, मकवी, तरगरम, कीमियाई तहरीक 6 नंबर। मकवी ये दिमाग व फर्रा कलब है, गले की खराश व मकवी बा बवजह कमी रतूबत मदी की पैदाइश करती है। खांसी, गले की खराश, सोजिश बोल, पेशाब की जलन, जोफ़े बसारत, संग गुर्दा व मसाना व अख्तलाज कलब के लिए मुफीद है। हलवा लजीज होता है और मकवी होता है। ये बसारत की बात की है, ख़ास तौर पर दो बसरी के लिए बड़ा काम करता है, ये दो बसरी के लिए भी बहुत काम करता है, बहुत आला चीज़ है। गाजर व हाई ब्लड प्रेशर के मौजू पे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरकान, ज़ियापतिसिस, सूरत अंजाल, जिगर की हरारत की जलन और गुत्ती फालच में बहुत ही मुफीद है। सोजिश में आला दर्जे की गिज़ा है। गाजर का जूस लोग बहुत शौक़ से पीते हैं, जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। गर्मी में बहुत आला दर्जे की चीज़ है। इसका मुरब्बा भी बड़ा लजीज और मकवी होता है। और ये भी याद रखना कि हमेशा ये गुद्दी अजलाती तहरीक 4 नंबर वालों पे काम करेगा, या हम 3 नंबर वाले अजलाती गुद्दी या गुद्दी अजलाती दोनों को दे सकते हैं। जिनका मजाज अजलाती गुद्दी या गुद्दी अजलाती यानी कि खुशक गर्म और गर्म खुशक हो उनको हम दे सकते हैं, अदरवाइज ये इस तरह माफक नहीं आएगा। हर शख्स को खाना शुरू कर जिसका मिजाज ख़ास तौर पर ठंडा है वो खाएगा, उसके पेट में दर्द आएगा, तकलीफ़ होगी, फिर वो परेशान होगा, फिर कहेगा कि अल्लाह की ये तो नेमत है, साहब को माफ़ा कर रही, मुझे क्यों नहीं माफ़। भाई आपका मिजाज ठंडा है, आपके अंदर ज़रूरत नहीं है, आपको तो हरारत की ज़रूरत है, तो आप गाजर क्यों खाएं। इसी तरह तमाम अद्वियात अगज़ियात जो होती हैं, देखना यही पड़ता है कि जिस्म में खुश्की है, ठंडक है, खुश्की भी ठंडक की एक किस्म है। खुश्की जो है वो जब बर्फ़ जम जाए, जब फ्रीज हो जाए, वो खुश्की होती है। रतूबात के जम जाने का नाम, इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, रतूबात के जम जाने का नाम खुश्की है। इसी में तो वाल सुकड़ते हैं खुशक तहरीक में। और इसी तरह वो तीजलाती तहरीक है, वो गर्म है, दोनों को ये माफक है, अजलाती गुती को भी माफक आएगी और 4 नंबर को, सबसे ज़्यादा 4 नंबर को आएगी। जब अजलाती गुदी वर्मी नब्बस होगी, ज़्यादा तहरीक बढ़ी तब माफक आएगी, इसका ख़ास ख्याल। हाँ, अजलाती साहब भी जिसमें खुश्की ठंडा तेजाब होता है उनको माफक नहीं आएगी। गाजर व हाई ब्लड प्रेशर के मौजू पे असाबी गुदी, मकवी, तरगरम, कीमियाई तहरीक 6 नंबर। कीमियाई तहरीक की तशरी बारह कर दी गई है। कीमियाई तहरीक जब मादा जिसम में रुके, मशीनी तहरीक वो जब मादा अखराज पाए। इसके बीच मकवी असाब, मदरे बोल, प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश की वजह से पेशाब में रुकावट हो तो ये उस वक्त काम करती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश पे ये काम करती है। उसने तो तमस इसकी तशरी भी की है, उसने तो तमस वो है जब मैसेज तकलीफ़ के साथ आए, नाफ के नीचे दर्द आती है, ये मशहूर है, इस पर वीडियो अपलोड कर दी गई है। और जिगर गुद्दों की सोजिश दूर करके हाई ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर ठीक कर देती है। गाजर मुसलसल 21 से 30 दिन गाजर पका कर खाएं, मीठा बना लें, जैसे इसकी बनती है मुख्तलिफ मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, खीर, कस्टर्ड, फिरनी में डाली जाती है, वैसे खाएं, या ख़ास तौर पर सालन खाएं, चमचियों के साथ ज़्यादा सालन खाएं, रोटी कम खानी होती है, खाएं, ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गंदम की रोटी कम से कम खाएं, क्योंकि गंदम की रोटी में हरारत होती है,
तो हरारत की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसमें ख़ास तौर पर प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च वगैरह का बंद किया जाता है। और ये भी याद रखना कि अज़लाती गुदी और गुदी अज़लाती अग्ज़िया को बंद करना होता है। अगर वो खाएंगे प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च वाली चीज़ें खाएंगे, करेले मेथी बाथू साग मसूर की दाल चने की दाल खाएंगे, तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। ये ख़ास तौर पर यही खानी है गाजर, या इसके साथ सपोर्टिंग जो असाबी गुदी अग्ज़िया 6 नंबर है, वो चार्ट से आप देख सकते हैं। वो चार्ट आप चार्ट पे मेंशन है कि असाबी गुदी 6 नंबर अग्ज़िया कौन सी है, और वही मसाला 5-6 वाला हल्का सा मसाला डालें, फल भी वही इस्तेमाल करें 6 नंबर वाले फल अग्ज़िया अद्विया चार्ट पर दर्ज की हुई हैं, वो चार्ट भी साथ अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, तो वो इस्तेमाल करें, तब जाकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। जिनको हाई ब्लड प्रेशर गैस की वजह से हो, वो हरगिज़ ये इस्तेमाल ना करें, क्यों ना कि वो अज़लाती असाबी तहरीक है, यानी खुशक सर्द 2 नंबर तहरीक है, वो कतन इस्तेमाल ना करें। उनके लिए लहदा नुस्खा बता दिया जाएगा, और उनके लिए लहसुन लगता है, याद रखना उनका इलाज 4 नंबर है, वो दी जाती उसकी बारे में लहदा तशरीह कर दी जाएगी। मैं थोड़ा सा मुख्तसर यहाँ बता दूँ, उनके लिए पुदीना और लहसुन है, तो ये हरगिज़ नहीं लगेगा। आप ब्लड प्रेशर ये नहीं कि आपने चेक करवाया ब्लड प्रेशर तो देख लिया, नहीं नहीं देखना पड़ेगा, पीछे गैस है, तजाबियत है, बाद वक्त तजाबी मादे रुके होते हैं, जो ही तजाबी मादे रुके होते हैं उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और ट्रेस होता है। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि हाई ब्लड प्रेशर फ़ौरन गोली खा ली, या ऐसी मदरे बोल चीज़ें वो यूरिन लाने वाली गोली खा ली फ़ौरन, तो इस तरह काम ख़राब हो जाएगा। आप तशखीस के बगैर करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मैंने आपको बारहा तशरीह कर दी है कि ये सिर्फ गर्मी की वजह से, जो हरारत की वजह से, वेने फूलने की वजह से, दिल के बढ़ने की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए गाजर काम करती है। ख़ास तौर पर जब दिल बड़ा होता है इसलिए ये काम करते हैं, क्योंकि अज़लात में तहलील होती है, तहरीक गुदद में, तहलील अज़लात में, और तस्कीन असाब में होती है। तहरीक, तहलील और तस्कीन दोनों के बारे, तीन के बारे में मुकम्मल तशरीह कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि तहरीक में उज़्ब सिकुड़ता है, तहलील में फैलता है, और तस्कीन में फूलता है। और तहरीक वाली जगह पर ठंडक होती है, और तहरीक वाली जगह पर ठंडक, और तहलील वाली जगह पर हरारत होती है, और तस्कीन वाली जगह पर रुतुबात का इजमा होता है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये हमेशा 4 नंबर तहरीक गुदी अज़लाती यानी गर्म खुशक वालों को लगेगी, अदरवाइज़ ये गाजर नहीं लगेगी। चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा। इल्म व हिकमत चैनल की तरफ से वस्सलाम।